थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट किया था कि इतना ही अच्छा जाएगा और भी कर रहे हैं एंड जाएगा भी बिकॉज राघव ने गाना बहुत अच्छा गाया फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड आई थिंक गाने में सबसे पहले सिंगिंग थिंग, अगर वही नहीं अच्छी हो तो फिर चाहे आप कितनी भी ग्रैंड वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं मज़ा आता है. एंड उसमें हम 100+ 100 on 100 चले ही गए थे. तो जब मैंने गाना सुना, मुझे गाना ऑफकोर्स बहुत पसंद आया एंड आई वाज शूटिंग फॉर रूहानियत एट दैट टाइम. एंड वहाँ पर जितने भी लोग थे, जब मैंने उनको बताया कि राघव का ऐसे ऑडियो आया है एंड ऐसे ऐसे, तो बोलते अरे तुम सुनो भी मत, वो अच्छा ही करते हैं एंड तुम कर लो. मैं तो उनकी फ़ैन हूँ, स्मिता जी ने मुझे बोला है ना, सो ऐसे सब लोग बोल रहे थे तो मुझे लगा ओके लेट्स डू दिस. एंड देन वही हुआ, गाना बहुत अच्छा था, देन शूट बहुत अच्छा हुआ. हमने कश्मीर में शूट किया है, लोकेशन वॉज वेरी गुड एंड द टीम वॉज वेरी गुड. राघव इज़ सो सपोर्टिव एंड हमने पूरा म्यूजिक वीडियो कैसे कर लिया पता ही नहीं चला, इट वॉज सो मच फन. राघव आपसे शुरुआत करने से पहले, पर मैं सबसे गाने की शुरुआत एक डायलॉग से हुई थी, आज इंटरव्यू की भी शुरुआत उसी डायलॉग से करते हैं. पहले वो डायलॉग आप बता दीजिए, काफी इंटरेस्टिंग डायलॉग था, काफी अच्छा लगा मुझे वो डायलॉग. वो कहते हैं ना, प्यार करने वाले एक जन्म में नहीं जन्म जन्म में मिलते हैं, हमारी भी कुछ ऐसी ही दास्तान है. एंड कितना रिलेट कर पाते हो आप, लाइक लव के बारे में मैं बात करूं, लव इज स्पेशल, कितना रिलेट कर पाते हो? ये डायलॉग काफी इंटरेस्टिंग डायलॉग लगा मुझे, आप बताना चाहोगे कुछ? तो हमने जब शूट किया था गाना तो हमने एक प्रेजेंट टाइम दिखाया है, दैट प्रेजेंट टाइम इज़ जब हमारी एक्चुअल शादी हो रही है एंड उनकी मेहंदी चल रही है एंड यू नो हम लोग एक डल लेक के अगेंस्ट एक बहुत अच्छे सेटिंग में हम लोग साथ में, हमारी शादी और हमारे सारे रिलेटिव्स वगैरह हैं. लेकिन एक एरिया दिखाया हमने, एक एरिया दिखाया है विच वॉज़ लाइक अ जोधा अकबर या राजों का पुराना एरिया, जहाँ पर भी हम वी आर इन लव विद ईच अदर, लेकिन उस लव में एक थोड़ा एरोगेंस है, थोड़ा ईगो है और मैं चल के आ रहा हूँ तलवार लेके, ये खंजर लेके आ रहे हैं. तो वो एक खाली एक एक्ट था कि हम तब भी प्यार में थे, वी वर टुगेदर दैट टाइम आल्सो. एंड एक और हीरा है जहाँ पे वो गेम ऑफ थ्रोन्स का एक काइंड ऑफ अ लुक हमने क्रिएट किया है, शेडोड आईज के साथ में, मेकअप के साथ में, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू शूट, टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर अस टू शूट दैट. और बहुत छोटा सेक्शन था लेकिन बहुत जल्दी शूट किया हमने और रेडी होने में उससे ट्रिपल द टाइम लगा, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा. आपको कितना टाइम? मैं तो जल्दी से रेडी होती हूं. काफी इंटरेस्टिंग लुक, ब्राइडल लुक में एंड जीओडी की फीलिंग आपने करेक्ट बोली, जीओडी की फीलिंग आ गई थी मेरे को भी सॉन्ग में. आप अपने लुक के बारे में कुछ बता दीजिए. मैं तो 10-10 मिनट में रेडी होके आ जाती थी, यही लगे रहते थे एक एक घंटा. आप भी सब जो देख रहे हैं आपको पता ही होगा कि जब अगर कोई एक लेडी रेडी हो रही है और एक आदमी रेडी हो रहा है तो कौन ज्यादा टाइम लेने वाला है, तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है. मैं 3-3, 6-6 घंटे वेट करी है मैडम की. 3-3, 6-6 घंटे? हाँ हाँ, इतना ही टाइम लगा है हमें, इतनी जरूरत नहीं है मुझे. And what was your first reaction when you got to know about the song? Story पहले बताइए कि like song आपको पहले सुनाया? नहीं, song तो मेरा खुद का ही है, तो मैंने खुद बनाया है. और गाने के ऊपर हमने फिर एक कॉन्सेप्ट रेडी किया था, जो ये कॉन्सेप्ट था. एंड कश्मीर ऐसी प्यारी सुंदर जगह है कि वहाँ पे एनी विच वे शूटिंग वॉज रियली गुड. वी हैड वन आउटडोर डे एंड वन इनडोर डे एंड हमने बहुत मज़े करके शूट ख़त्म की. एंड आपके बारे में थोड़ा जानना चाहोगे, लाइक पहले आपको गाना बताया कि लाइक फर्स्ट स्टोरी बताई राजा महाराजा की, जिसमें जीओटी की भी फीलिंग आने वाली है, पहले क्या क्या कुछ आपको बताया? मैंने सिर्फ ऑडियो सुना था, मुझे वीडियो का कॉन्सेप्ट वो बहुत बाद में पता चला था. एंड मैंने ऑडियो सुना तो मेरे को था कि लेट्स डू दिस, हम वीडियो तो विल ऑफ कोर्स डिस्कस एंड चीज़ें हो ही जाएंगी. एंड जब चीज़ें सुनी तो मुझे लगा ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, आई रियली लाइक गेटिंग रेडी एज अ ब्राइड, ये सब मुझे बहुत पसंद है. एंड देन पता चला पूरा शादी के उस पर हम करने वाले हैं, तो मुझे लगा लेट्स डू दिस. कितना डिफिकल्ट हो जाता है लाइक व्हेन यू आर सिंगिंग द सॉन्ग एंड यू आर एक्टिंग आल्सो इन दैट सॉन्ग, कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है जब शूटिंग के वक्त? लाइक डिफिकल्टी एज सच नहीं है, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर सो मेनी इयर्स नाउ कि वो आदत ही पड़ जाती है, तो परफॉर्मेंस काइंड ऑफ कम्स नेचुरली. लेकिन जहाँ पर मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती है वो है कि मैं डांस नहीं करता, और जहाँ पे मेरे को कुछ फोर्स करके डांस कराया जाए तो फिर देन आई गेट अ लिटिल फ्लक्स्ड. क्या था विच जो हमने किया है इस गाने में किया है, थोड़ा बहुत ही किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया. बट आई रियली एन्जॉयड दिस सॉन्ग लार्जली क्योंकि मेरे को वो रोल प्लेइंग में बहुत मज़ा आया, स्पेशली जब मैं महाराजा बना वो एंड द गेम ऑफ थ्रोन्स वाला जो लुक था, उन दोनों लुक्स में मेरे को ज़्यादा मज़ा आया करने में. हमने शूटिंग उन दोनों लुक्स में कंपैरेटिवली बहुत कम की, लेकिन रेडी होने का प्रोसेस एज आई टोल्ड यू दैट डे वाज
डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एंड जो हमारा एक्चुअल शूट था उसमें हमने बहुत सारे कॉस्ट्यूम चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी वन आफ्टर द अदर प्रेजेंट डे को शूट करने के लिए किए। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू आर गेटिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया काफी लाइक इफ यू कम आउट विद अ सॉन्ग या फिर कोई रियलिटी शो में जाते हो तो काफी सोशल मीडिया पे मैसेज आते रहते हैं। आपने चेक किया सोशल मीडिया पे कोई मैसेज? आई टू कीप चेकिंग एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों को गाना बहुत पसंद आ रहा है एंड देन लुक्स बहुत पसंद आ रही है, देन वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आ रहा है। सो आई एम रियली गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द फैंस एंड अदरवाइज भी बहुत लोग आसपास भी बता रहे हैं। मेरे तो फैमिली सबसे बड़ी क्रिटिक्स है, तो उनको अगर पसंद आ जाते तो मुझे लगता है अच्छा चलो ठीक है। जब हम बात करें कोई सॉन्ग की, कोई सॉन्ग के बारे में बात करें तो जैसे आप लोग का कोई BTS मोमेंट, कोई ऐसा मोमेंट जो काफी इंटरेस्टिंग हो जो अभी तक याद हो, क्योंकि शूट की वक्त हम लोग ने देखा एक लॉन्ग बैक स्टोरी चली जाती है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी प्रेजेंट स्टोरी है, कोई ऐसी मोमेंट जो आप शेयर करना चाहोगे? जस्ट कि हम लोग जिस हवेली में शूट कर रहे थे वहाँ पर ड्यूरिंग द शूट ओनली सडनली आया, हम लोग जब मेकअप कर रहे थे वी सॉ अ लॉट ऑफ आर्मी पीपल ओवर देयर एंड हम वंडरिंग कि ये हुआ क्या एग्जैक्टली, एंड इट वाज अ बिट ऑफ अ शॉकर कि देयर वाज अ माइनर ब्लास्ट अराउंड दैट एरिया। तो आप यू नो आप जब कश्मीर जाते हो आज की डेट में तो आपको लगता है कि चलो अब तो सब कुछ सेटल हो गया, कोई इशू नहीं है, बट देन सडनली यू हियर दीज थिंग्स विच काइंड ऑफ चेंज योर मूड अ लिटिल बिट। दैट हैपन्ड बट देन इवेंचुअली वी वेंट बैक इन टू द शूट। इनका जो लास्ट जो हमारा कॉस्ट्यूम था जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स का कॉस्ट्यूम था उसमें देयर वाज सम लेंसेज इशू दैट वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हिच व्हेन वी वर शूटिंग वी कुड टेक अ फ्यू शॉट्स एंड देन पोर थिंग हैड टू गो थ्रू, वो लेंस गिर रहा था बार बार। तो यू नो फिजिकल चीज़ें बहुत होती हैं, आप मतलब जब कोई देखता है तो खाली एक शॉट देखता है, वो नहीं देखता कि कितनी सारी चीज़ें उसके आस पास हुई हैं। सो शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल एट दैट टाइम टू एक्चुअली एफर्टलेसली परफॉर्म। एंड आप जैसे देख रहे हैं हम लोग सारे ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट वी वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इश्यूज टू शूट दैट शॉट। एंड आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिले, लाइक नाउ यू हैव डन विद द रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी, काफी इंटरेस्टिंग रही है जर्नी। आपसे पहले पूछना चाहूंगा इनका किस तरह का गेम प्लान चल रहा है, काफी लोग चर्चा कर रहे खतरों के खिलाड़ी के बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? मैंने देखा ही नहीं होगा पक्का, मेरे मैं ज्यादा देख नहीं पाता हूँ, बट इनको मेरे शेड्यूल का भी पता है, मैं भाग रहा होता हूँ एक दूसरे से दूसरी जगह, लेकिन ये ही जीतेंगी। अगर नहीं जीतेंगी तो मैं इनको जिताने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसे वोटिंग भी नहीं होती है यहाँ? वोट नहीं हो सकता है तो फिर देन गुड विशेस का तो किसी ने नाम सुना। लेकिन हाँ इनका बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि जब हमने म्यूजिक वीडियो ये साथ में किया था तो उस समय अपने हॉबीज बता रहे थे, तो उसमें उन्होंने बोला कि इनको स्विमिंग करना बहुत पसंद है, तो मुझे लगा मेरे से तो पानी में जाया ही नहीं जाता, मतलब मैं इतना डरती थी। उससे पहले ही कुछ दिन पहले हमने एक कुछ शॉट होना था जिसमें मैं डूब रही हूँ, सबीर प्रिशा को बचाने आ रहे हैं, ऐसा कुछ था और मैं कर ही नहीं पाई। फिर ऑफकोर्स वो शॉट हमने कैंसिल कर दिया जो भी हुआ, तो इस टेलिंग ही मैंने ये सब मैं इनको बता रही थी, तो मुझे बोलते अरे तुम करो, यू नो ही पुश्ड मी कि तुम दो चार दिन के लिए तो स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करो। मैंने कहा शूटिंग होती है नहीं टाइम मिल पाएगा, बट इन्होंने फोर्स करके मुझे ज्वाइन कराया। मैंने दो चार दिन जितना भी किया तो एटलीस्ट मैं पानी में जा पाई एंड इतने सारे स्टंट्स थे पानी वाले जो मैं कर पाई, अदरवाइज तो व्हिच वाज मोर डिफिकल्ट फॉर यू द पिग वन और द ऑस्ट्रिच वन? देखिए अगर पिग वाला हो जाता तो ऑस्ट्रिच तक पहुंचते ही नहीं, बट डिफिकल्ट अब अगर मुझसे पूछे तो यस ऑस्ट्रिच वन। और काफी लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपने वो फोन यूज किया था ऑस्ट्रिच? वो तो मैंने बताया ना बाद में कि मैंने किया, पहले तो मैं ऑफ कोर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि यू नो जिनका फोन है उनको ऐसा ना लगे कि उन पे ना गुस्सा हो जाए कि क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने चलो आई मैं सर्च कर लूँ हाउ टू टेम इन ऑस्ट्रिच, और ऐसा होता भी नहीं है ठीक है। लेकिन व्हाटएवर हैपेंड वो तो मैंने ऑफ कोर्स गेम में बताया। द थिंग वाज लाइक रियली अनफेयर बिकॉज़ हम व्हेन वी आर प्लेइंग अ गेम इफ यू गाइस डू रिसर्च अबाउट इट तो थोड़ा सा वो चीटिंग की तरफ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता और कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होती, इट्स अ गेम एंड इसको गेम की तरह खेला गया। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन बाय रूबीना मैम के? काफी लोग ट्विटर पे काफी चर्चा हो रही, मैं देख रहा था कि देयर आर पीपल सपोर्टिंग कनिका मान, देयर आर पीपल सपोर्टिंग रूबीना, नो कनिका मान इज रॉन्ग, नो रूबीना इज रॉन्ग, इसके बारे में क्या किस तरह के ट्विटर
ट्विटर से किस तरह का रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? मैं ट्विटर पे हूँ नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं तो ये होगा ही ना जब गेम में, तो ऑफ कोर्स कुछ लोग होंगे जो इधर सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग होंगे जो उधर सपोर्ट करेंगे, बट से गेम हमने गेम की तरह खेला एंड ऑफ कोर्स ये तो होगा ही, कुछ लोग हमें सपोर्ट करेंगे, कुछ दूसरे को करेंगे। एंड राघव, रियलिटी शोज की मैं बात करूं, किस तरह से दिखते हो रियलिटी शोज को आप? जैसे देयर आर सो मेनी रियलिटी शोज, खतरों के खिलाड़ी हो गया, बिग बॉस हो गया, कोई ऐसा रियलिटी शो जिसमें जाना आप पसंद करोगे? मैं खुद जा, I don't mind going and doing a guest appearance, जहाँ in all of them, to be very honest, क्योंकि मेरे को, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे रियलिटी शोज़ के अंदर जब हमेशा म्यूजिक इज अ लैकिंग एलिमेंट ऐसे रियलिटी शोज में, स्पेशली अगर आर्टिस्ट्स आर डूइंग लाइक सिंगर्स आर देयर, म्यूजिशियंस आर देयर, जैसे अगर बिग बॉस में, अगर मैं बिग बॉस में जाऊँ, मुझे बोला जाए कि आप एक चीज़ ला सकते हैं अपने साथ, क्या लेके आएंगे? आई प्रॉब्ली माइट टेक द सैक्सोफोन विद मी, कि यू नो यू हैव सम काइंड ऑफ अ लेट आउट इवेंट एंड एक एंटरटेनिंग चीज़ हो जाती है। तो आई एम वेरी पुअर एट जजिंग रियलिटी शोज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि पता चले कौन सा क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज इट्स लार्जली मेड टू एंटरटेन द ऑडियंस। तो वो अगर उसका क्रक्स निकल जाएगा और हम बिल्कुल उसको जैसा जैसा देख रहे हैं वैसा करेंगे, तो इट विल नॉट मेक मच सेंस। इट हैज़ टू बी पैकेज्ड इन सच अ मैनर कि वो एंटरटेनमेंट कोशेंट उसका जितना हायर रह सके वो अच्छा है। एंड देयर आर सो मेनी बज़ दैट कनिका यू आर इन द टॉप 3 एंड यू हैव लिफ्टेड दैट ट्रॉफी, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द बज़? चर्चा हो रही है काफी सोशल मीडिया में, लेकिन अभी हमको किसी को भी नहीं मिली है, तो मे बी लेट्स सी, अभी तो होगा, अनाउंस होना बाकी है। एंड आफ्टर दिस लाइक खतरों के खिलाड़ी यू आर प्लेइंग रियली वेल, सो आगे रियलिटी शोज बिग बॉस भी आने वाला है, क्या दिख पाएगी आपको? देखिए, आई वुड लव टू, लेकिन अभी एज सच आई हैव नॉट सेड यस, आई हैव नॉट सेड नो, बट आई वुड लव टू। ओके, सो लास्टली गाने के बारे में दो लव्स आपसे सुनना चाहेंगे। गाना गाने गाने, यू वांट मी टू सिंग? या या, आई वांट टू सिंग। वाह, पूरी तैयारियों के साथ आए हैं। मैं और इंस्ट्रूमेंट्स अक्सर साथ में। सोनिया दे हत्थां उत्ते मेहंदी साडे नादी अलाज पैर होवे हाय साडी जान दी, सोनिया दे हत्थां उत्ते मेहंदी साडे नादी अलाज खैर होवे हाय साडी जान दी। इक चांद आसमां पे इक चांद माही मेरा, आसमां के चांद से भी सोना लगे चांद मेरा, एक चांद आसमां पे एक चांद माही मेरा, आसमां के चांद से भी सोना लगे चांद मेरा, गोरे गोरे मुखड़े पर बिखरा है नूर ऐसा, शगुनों की रात में खिला जैसे हो सवेरा, रुक जाए ना धड़कन दिल ना दादी अलाज पैर होवे हाय साडी जानी, सोनिया दे हत्थां उत्ते मेहंदी साडे नादी अलाज पैर होवे हाय साडी जानी। लास्टली, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट? अब आई हैव अ फ्यू सिंगल्स दैट आर कमिंग अप, एंड ऐसे ही मेलोडिक गाने बन रहे हैं बहुत सारे, कुछ डिवोशनल चल रहे हैं, एंड दो तीन फिल्म्स के ऊपर काम चल रहा है, सो वन वन सॉन्ग एवरीवेयर इज गोइंग आउट एंड मैडम इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। मैं रेस्ट कर रही हूँ खतरों के खिलाड़ी से, अभी मैं आके थोड़ा सा एवरी एक साथ सब चीज़ें आ गई, रूहानियत आ गया, देन माई पंजाबी फिल्म, देन खतरों इज गोइंग, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, यू प्लीज एंजॉय, तब तक मैं अगले के लिए रेस्ट करके तैयारियां करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।